दिन तो बच्चे इतने कम और दिवाली की सफाइयाँ चली रही है अभी तक, कभी रुक रुक के चलती है कभी कंटिन्यू चलती है, तो यहाँ पे ब्रेक मेरा थोड़ा वेदांती एग्जाम की वजह से लग जाता है क्योंकि उसको भी देखना पड़ता है। और इस बार तो जिसमें अंशु का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे को कि वो अंशु दीदी के पास चला जाता है तो मेरा काफ़ी लोड कम हो जाता है, बस रात को जो रहता है थोड़ा सा वो पड़ता है क्योंकि दिन में तो आजकल वो अंशु के पास ही चला जाता है पढ़ने के लिए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई मेरे लिए, प्लस पॉइंट हो गया। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ये वाली वार्डरोब सही करी जाए। इसके अंदर क्या मेरे जितने भी सूट्स वगैरह हैं और जितने भी बेड लाइनिंग वगैरह हैं और अपने ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वाली वार्डरोब के अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे गौरी बीच बीच में आके कुछ ना कुछ उसको शैतानी करनी है मम्मा के साथ, ताकि बीच बीच में दो दो भजन सुनती है मेरे साथ भी चली जाती है। तो बस अब आप लोग को पता ही है, नेक्स्ट मंथ तो अक्टूबर में तो, हाँ अभी सितंबर चल रहा है ना, राइट, वो अक्टूबर में तो अपने फेस्टिवल ही फेस्टिवल है और खूब जल्दी ही ये दिन निकलते जा रहे हैं। आज हो गया है, बस थोड़े से दिन ही, हफ्ता भर और बाकी है और ये सितंबर भी ख़त्म होने वाला है और उसके बाद आ जाएगा अक्टूबर, जब ये फेस्टिवल, यानी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लाइन लगी हुई है फेस्टिवल्स की, तो और मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो बस इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जोर है, बहुत जोश है सफाइयों का, तो मज़ा ही आता है। मुझे तो खैर सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आई डोंट नो बाकी सबका क्या है बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सफाई करने में। तो फिलहाल हम यहाँ पे वाली पूरी वार्डरोब क्लीन करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है आप लोगों ने देखा ही था, आज फिर से मैं वापस वाली की सफाइयों में लगी हुई हूँ। कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, प्लानिंग चलती चल रही है कि इसके बाद क्या करें इसके बाद क्या करें। तो आज बहुत दिनों से मैं सोची थी, पिछले 2-3 दिन से मैं बिल्कुल रेस्ट पे थी, तो आज मैंने सोचा कि ये वाला वार्डरोब कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने पहले पूरी वार्डरोब को खाली किया है, उसके बाद वार्डरोब को पूरा क्लीन किया है, पूरा हिट कर दिया है, क्रेजी लाइन वगैरह लगा दी है। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो ये तो मेरे औजार होते हैं जिनको मैं उपयोग में लेती हूँ। तो सबसे पहला काम, जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले आप एक बार प्लान ज़रूर कर लेना कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो मैं तो जो भी काम करती हूँ तो सबसे पहले सोच लेती हूँ कि इसको इस तरीके से करना है ताकि मेरे लिए इजी गोइंग हो जाए, आपको पैनिक ना हो जब आप काम करो। तो ये बेस्ट वे है, जब भी आप कोई काम करते हो तो यू शुड हैव टू प्लान बिफोर डूइंग इट कि आपको किस तरीके से करना है, आपका टाइमिंग। आपका स्पेशली आपका जो टाइमिंग होता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि बाकी के लोग डिस्टर्ब नहीं हो और आप जब काम कर रहे हो तो आप भी डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि स्पेशली जब बच्चे होते हैं या हस्बैंड घर पे होते हैं तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बीच बीच में आप लोग देख भी रहे होंगे कि गौरी किस तरीके से यहाँ आके डिस्टर्ब करती रहती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर को पूरा एम्प्टी करना है, पूरा खाली करना है, उसके बाद उसको मॉप कर देना है, उसको क्लीन कर देना है वेट कपड़े से, उसके वो क्रेजी लाइन लगा देनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है जो मैं करती हूँ हमेशा। तो बस अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये हो चुकी है अपनी वार्डरोब एकदम खाली, और यहाँ पे कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं बेड पे, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये वाली जो वार्डरोब है ना, ये मेरे जितने भी बेड लेनिंग्स वगैरह हैं, बेड शीट्स हैं, उसके काम आती है वार्डरोब। और जो मेरे सूट्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ। मैं मेरी साड़ीज़ की वार्डरोब मेरी अलग है, सूट का अलग है, और जो वेस्टर्न वियर है आप कभी कभी पहनते हैं वो वेस्टर्न वियर और सूट का वार्डरोब और बेड लेनिंग्स और थोड़ा सा मिक्सअप मान लो आप इस वाली वार्डरोब का, तो उसके अंदर ये सारा सामान आता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ पाइल करके रख दिया है, यहाँ पे ये दोहड़ है बेड शीट से है। अपनी जो वार्डरोब है वो पूरी हो गई है ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे नीचे यानी कि बॉटम से दिखाती हूँ अपने वार्डरोब के, कि मैंने यहाँ पे क्या अरेंज किया है। सबसे बॉटम में एक अपने ब्लैंकेट है और माँ के कपड़े इस किट के अंदर रखते हैं ताकि डस्ट वगैरह नहीं लगे, तो माँ के सारे कपड़े इधर इस किट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट देख रहे हो, इसके पास स्पेस है, तो एक ब्लैंकेट आराम से रोल करके आप रख सकते हो, तो दो ब्लैंकेट आराम से आ सकते हो, और अगर एक एक हटा दें तो तीन ब्लैंकेट आराम से आ जाएंगे। और हम चलते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये सारी बेड शीट्स हैं जिनको मैंने
पिलो कवर के अंदर डाल रखा है, एक पिलो कवर अंदर है, बेडशीट अंदर है, और एक पिलो कवर के ऊपर मैंने बेडशीट और पिलो कवर दोनों कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है, बास्केट बोल लो आप इसको, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो मुझे लगभग 2 से 3 साल हो गए इसको लाए हुए, और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इसको यूटिलाइज़ किया मैंने अलग अलग तरीके से। ये अपनी रेगुलर की बेडशीट से अभी मेरे पास बेडशीट का स्टॉक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि पिछले साल मैंने बिल्कुल बेडशीट्स नहीं खरीदी क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टॉक था। तो मैंने उसमें से काफ़ी हटा भी दिया है, सॉर्ट भी कर दिया है। और ये वो ये दो बेडशीट्स ऐसी हैं जो स्पेयर में हैं, जैसे कभी अपने को कहीं जाना है या नीचे बिछाना है या कुछ भी ऐसा साफ़ सफाई कर रहे हैं कि बेड के ऊपर रखना है या किसी चीज़ को कवर करना है, तो ये तब काम आती हैं। और ये बेडशीट यहाँ पे मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसके ना पिलो कवर्स अभी है नहीं, है मतलब है तो सही पर ही वॉश्ड नहीं है, तो इसलिए इसको अलग से रख दिया है। पीछे आप एक किट देख रहे होगे, उसके अंदर वो बेडशीट्स है जो मैं कभी कभी बिछाती हूँ, इन दो ड्रॉस को खोलती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये सारे ब्लैंकेट कवर्स हैं। इन ब्लैंकेट कवर्स को मैंने अच्छे से रोल करके इसमें डाल दिया है। हालांकि ब्लैंकेट के ऊपर मैं कवर लगाती नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता ब्लैंकेट कवर, उन लोगों को ऐसे ही सॉफ्टी सॉफ्टी अच्छा लगता है। बट फिर भी मैंने रखा है, इन केस कोई आ जाए, किसी को पसंद नहीं आए, तो कवर्स हम लगा सकते हैं। तो ये सारा फैब्रिक कॉटन का ही है, तो इसको बंद करते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर अपने पास एक दोहड़ है गौरी की, और ये अपने पास दो सिंगल चटाई है, मैट्स है जो मैंने यहीं रखी हुई है, एक ये टॉवल है स्पेयर पे रखा हुआ है, यहाँ पे किसी को चाहिए हो तो यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ टॉवल्स हैं जो स्पेयर में रखे हुए हैं, वो रखे रहते हैं कभी इन केस ज़रूरत पड़ जाए तो हम यहाँ से इजीली उठा लेते हैं। और ये वाला, तो अब हम चलते हैं फर्स्ट वाले अपने शेल्फ पे। यहाँ पे ये काफ़ी खाली खाली हो गया है, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना चीज़ें बहुत अच्छे से रखी जाती है, और ऐसा लगता है यार इतनी जगह बची थी अपने पास, कितना मेसअप कर रखा था हम लोगों ने। तो ये वो किट है जिसमें मेरे ट्राउजर्स हैं, जीन्स हैं, वुलन पैजामा है, जो ट्रैक एक्चुअली हैवी सा जो थोड़ा सर्दियों में पहन सकते हैं, थोड़ी अब ठंडी ठंडी हो गई है ना शुरू, तो ऐसे मौसम में वैसे वाले थोड़े से कपड़े हैं जो मैं इनको गर्मी में बिल्कुल नहीं पहन सकती। और ऊपर अपने ये पैंट्स वगैरह हैं जो कभी कभार पहनने में आते हैं, तो इनको मैंने किट में डाल रखा है। और ये वाइट कपड़े हैं जिनको एक अलग से किट में रखा है। और नीचे अपना हैवी का गाउन वगैरह है और एक पैंट वगैरह है हैवी जो अलग ही रखा हुआ है। हालांकि मैं गाउन वाउन कम ही पहनती हूँ, बट एक है जो कभी कभार पहन लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने इस वाले हैंगर पे। ये जो हैंगर है ना मल्टीलेयर हैंगर, ये बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि दुपट्टा वगैरह है, एक बार भी मैंने इसमें 5 दुपट्टे लगा रखे हैं, और ये दूसरा है इसके अंदर भी मैंने 5 दुपट्टे लगा रखे हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है। तो आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो, ईज़िली किसी भी शॉप पे या ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। मैं तो एक शॉप से लेकर आई थी, मल्टी स्टोर है आप लोग को पता ही होगा, वहीं से मैं लेके आती हूँ मोस्टली सामान सारा अपना। तो वहाँ यहाँ पे एटलीस्ट मान लो आप आराम से 10 दुपट्टे एक बार में एक हैंगर में आ जाएंगे। और ये कि मल्टी क्लिप्स हैं, ये भी कभी काम आ जाता है, दुपट्टे हैं, टॉपर्स हैं, कुर्ते हैं, उनके लिए काम आ जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे अपने कुर्ते हैं, ये जो अपने सूट्स हैं सारे सेट के, वो मैंने यहाँ पे हैंग कर रखे हैं। तो सूट्स वगैरह अगर आप लोग पहनते हो, पटियाला है, पैंट्स वगैरह के साथ है, तो उसको सेट के साथ ही ऑर्गेनाइज़ करो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और उसको हैंग करके रखो, अगर आपके वार्डरोब में जगह है हैंग करने की तो आप हैंग करके रखो ताकि आपको विजिबल हो, और अगर नहीं है तो उनको एक साथ ही रखना चाहिए। जो मैं अब विंटर्स आ रहे हैं तब ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में तो मैं पहनती नहीं हूँ, गर्मी में तो मुझे सिर्फ या तो पजामे अच्छे लगते हैं या फिर अपने कॉटन कपड़े। कॉटन इज़ द बेस्ट फैब्रिक टू वियर इन समर। अब ये कुछ ऐसे सिंगल कुर्तेज़ हैं, टॉपर्स हैं जो टंगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी अपनी वार्डरोब, और मैं एक बार आपको वापस से ब्रीफ दे देती हूँ रिव्यू इसका। काफ़ी अच्छी और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रही है ना। अब इसको हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको किस तरीके से इसके अंदर सामान रखते हैं। हालांकि सारी शेल्फ में मैं ही सामान रखती हूँ, तो वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा मैं किस तरीके से रखती हूँ। तो फिलहाल आपने देख लिया किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी है। काफ़ी बढ़िया तरीके से अगर आप रखो तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ों को आराम से मिल जाती है अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करो तो। बेडशीट्स इस तरीके से रखी हुई है सारी कि अपने को दिख रही है कि हाँ
ये बेडशीट्स है। और एक टिप मैं आप लोग को देना चाहूंगी, कि जैसे आप लोग बेडशीट वगैरह वॉश करते हो, तो जब बेडशीट हल्की सी बेडशीट के अंदर मॉइस्चर होता है, वेट सी होती है एकदम हल्की सी, और आप उसको आयरन नहीं करवाना चाहते हो, तो आप उसको ऐसे ही हैंग, जब आप वायर पे हैंग करते हो ना, उसको इस तरीके से हैंग करो कि उसके अंदर सल ना पड़े, और अच्छे से झड़का के कपड़ों को फिर हैंग करना चाहिए वायर के ऊपर। और जब आप उसको निकालो ना, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करो, इस तरीके से उस पर क्रीज हाथ से बनाओ कि आपको आयरन करने की ज़रूरत ना पड़े। और तो भी अगर आप आयरन करना चाहते हो, तो हल्का सा जो वेट होता है बेडशीट, तब उसको अपने आयरन टेबल पे या नॉर्मल टेबल जहाँ भी आप आयरन करते हो उसको आयरन कर दो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आयरन वाले के पास भी भेजो आप। तो कभी कभी मैं कर लेती हूँ ऐसा। और एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की, आप लोगों ने देख लिया वार्डरोब अपनी पूरी ऑर्गेनाइज हो गई है, और ऑर्गेनाइज होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। कोई भी चीज़ हम बाहर से लेके नहीं आए, जो घर पे अवेलेबल था उसी से सारी चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है। हैंगर्स, अगर आपके वार्डरोब में हैंगिंग रॉड हो, तो हैंगर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है, चाहे साड़ीज़ हो, चाहे सूट्स हो, चाहे वेस्टर्न वियर्स हो, किसी चीज़ के लिए भी एक्चुअली पे। और यहाँ पे इस वाली शेल्फ में आपने देखा किस तरीके से मैंने दोहड़ है, अपना रजाई कवर है, अच्छा ब्लैंकेट कवर्स है, उनको किस तरीके से रोल करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जिसको अगर आप प्रॉपरली तरीके से करो तो काफ़ी स्पेस आपका ये बचा लेते हैं। तो अभी भी फ़िलहाल वार्डरोब में काफ़ी सारी स्पेस है, अच्छी भी लग रही है, एकदम खुली खुली सी लग रही है, सांस आ रही है बेचारी अलमारी को, पहले तो उसको सांस ही नहीं आ पा रही थी, अब वो अच्छे से सांस ले सकती है बढ़िया से। तो वार्डरोब ऐसा होना चाहिए कि कोई खोले तो देख के मन खुश हो जाए, वाह, फिर गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए। तो फिलहाल इसी के साथ मैं एंड करती हूँ ये वाला जो ब्लॉग है, एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, होपफुली जो ब्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दिवाली की सफाई यहाँ अभी ख़त्म नहीं है, अभी तो बहुत काम बाकी है। तो मिलते रहेंगे और ट्रिक्स बताते रहेंगे, नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे आपके साथ, और शेयर करती रहूँगी किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं। तो होपफुली जो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंजॉय दिवाली की सफाइयाँ।